और कल का दिन 20 सफर जो दीगर जगह पर चेलू मनाया जाएगा, उसमें खास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि हम और आप अगर अपने आप को मोमिन कहते हैं, अगर अपने आप को सही मानों में हुसैनी कहते हैं, तो सिर्फ जबान तक ना रह जाए, अमली मैदान में भी आगे आए। और उस अमली मैदान को अगर हमें लोगों के सामने अमल करके दिखाना है तो वो वक्त कल का वक्त है। कैसे मौलाना साहब? इसलिए कि हमारा 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन ने मोमिन की अलामतें 5 बताई हैं, नमाज पढ़ता हो और दीगर चीजें। उसमें जो कल की बात है वो ये है कि मोमिन जो होगा उसकी 5 अलामतों में से एक अलामत है कि वो ज़ियारत अरबईन भी पढ़े। बस ये आप तक बात पहुंचाने की, ज़ियारत अरबईन भी पढ़े। तो कल का दिन वो है कि अगर हम किसी को अमली मैदान में अपने आप को साबित कर सके, दिखा सके, तो कल का वो दिन है। तो आप कहीं भी रहें, चाहे जहां आप कल का दिन आप मातम करें, नौमा करें, लेकिन आप ज़ियारत अरबईन जरूर पढ़िएगा। इसलिए कि बहुत से ज़ायरीन माशाल्लाह खुदा सलामत रखे कि वो करबला पहुंच चुके हैं इमाम हुसैन सलाम का चेहरा मनाने के लिए। हम और आप नहीं जा सके हैं, इंशाअल्लाह जाएंगे, मौला बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। इसलिए कि हमें और आपको मायूस नहीं होना है। जिनका काम वहां पर था मौला ने उन्हें वहां बुला लिया, जिनसे यहाँ पर काम लेना था मौला ने यहाँ रखा हुआ। ठीक है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। और कर रहे हैं, जिसको जहां पर जो काम मेरे मौला को देना है वो वहां पर अपने जायरों को रखे हुए। इंशाअल्लाह जाएंगे, मौला बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। इसलिए कि हमें और आपको मायूस नहीं होना है। صلوات النور علي خوشحال شدن حسین و کشتن قوقای تو کربلا یه گوشه یه دلارن